मॉर्निंग स्टूडेंट, आज देखिए सेवंथ ए। कल मैंने करा था 104 सवाल तक, आज सेवंथ के का फिर आगे देखिए। सवाल नंबर 7, आई बराबर लिखा हुआ है साइन लॉग ई एक्स बटे एस क्यूब डी। साइन के साथ कोण जो है वो गड़बड़ कर रहा है। तुरंत यहाँ लिखिए माना, तो लॉग एक्स को माना जाएगा। टी बराबर लॉग ई एक्स, टी बराबर लॉग ई एक्स, ठीक। एस के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स, इधर डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, डी टी बाई डी एक्स बराबर 1/x, डी टी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। एक खासियत होती लॉग में, यहाँ ई एक्स बराबर टी लिखा है तो e की पावर टी बराबर एस लिख सकते हैं। ये साइन लॉग ई एक्स, एस स्क्वायर अलग कर दीजिए, एक एस के नीचे कर दीजिए, फिर साइन लिखा रहे नीचे, लॉग ई एक्स एस की पावर 2 डी एक्स अपॉन एक्स। यहाँ साइन टी, एस का मान ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा -2t और यहाँ dt। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। साइन का समाकलन करें या अवकलन करें तो साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, ठीक। et पावर का समाकलन करेंगे तो वही आएगा, अवकलन भी करेंगे तो वही आएगा। तो इसमें किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए और किसी को भी सेकंड मान लीजिए, सवाल सरल हो जाएगा, हल हो जाएगा। और तो जैसे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा फर्स्ट को रोका, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन, ई पावर माइनस टू टी साइन टी का करेंगे तो आ जाएगा माइनस का कॉस टी। यहाँ इसका करेंगे तो ई पावर माइनस टू टी, फिर माइनस टू टी करेंगे माइनस टू, और साइन का माइनस का कॉस टी यहाँ डी टी। यहाँ देखिए माइनस ई पावर माइनस टू टी, यहाँ कॉस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस टू ई पावर माइनस टू टी और कॉस टी डी टी। इतना देख लीजिए, समझिए। यहाँ देखेंगे फिर दो लोग बनता है, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड। आई बराबर ये ऐसे लिख दीजिए माइनस टू टी कॉस टी, माइनस टू ब्रेक स्टार्ट करिए, फिर ई की पावर माइनस टू टी कॉस टी डी टी माइनस डी बाई डी टी ई पावर माइनस टू टी और कॉस टी डी टी पूरे का इंटीग्रल। ये आपका ऐसे ही लिखा रहेगा माइनस टू टी, यहाँ पर कॉस टी, यहाँ टू, कॉस का होता है साइन टी, तो ई पावर माइनस टू टी यहाँ हो गया साइन टी। इसको देखिए, आप इसको पीछे हल कर चुके तो आया था माइनस टू ई माइनस टू टी, करेक्ट। यहाँ आया था साइन टी और पूरे का डी टी चाहिए।
ये वाला डी टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, माइनस ई पावर माइनस टू टी कॉस टी, यहाँ गुणा करेंगे माइनस टू ई पावर माइनस टू टी, यहाँ पर साइन टी, यहाँ करेंगे माइनस माइनस प्लस दो, और दो का गुणा फिर करेंगे दो माइनस दो चार, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ई पावर माइनस टू टी और साइन टी डी टी। अब आप गौर करेंगे जो सवाल मैंने बनाया था, ये समीकरण नंबर एक फिर वैसा ही आ गया। फिर हम करेंगे तो बढ़ता चला गया, जब ऐसी पोजीशन आ जाती कि वही रिपीट होकर आ जाए, तो चूंकि मुझसे आई मान रखे हैं, फिर लीजिए इन दोनों देखो कॉमन कॉमन दिख रहा माइनस ई माइनस टू टी, यहाँ कॉस टी, यहाँ माइनस साइन टी टू, और यहाँ फोर आई और प्लस सी लिख दीजिए, आई फोर आई को इधर लिखा लीजिए और ई इसको फिर ई की पावर टी होल आव स्क्वायर, यहाँ कॉस टी, यहाँ टू साइन टी प्लस सी, यहाँ फाइव आई, ई टी की जगह हमने बताया था एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस टी मतलब लॉग ई एक्स, लॉग ई एक्स माइनस टू साइन लॉग ई एक्स, प्लस ये पाँच का भाग दे दीजिए माइनस फाइव एक्स स्क्वायर कॉस लॉग ई एक्स माइनस टू साइन लॉग ई एक्स प्लस पाँच का भाग यहाँ दिया जाएगा, सी में पाँच का भाग दिया, सी चूंकि कांस्टेंट होता है, किसी कांस्टेंट में भाग देंगे कांस्टेंट का तो कांस्टेंट ही आता है, इसलिए उसे सो नहीं करते। इस प्रकार ये सवाल आपका कंप्लीट है। सातवें के बाद आठवां, आई बराबर इंटीग्रल निशान, यहाँ एम लिखा है, यहाँ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू और डी एक्स, इसको ध्यान से देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो पहले माना t बराबर टेन इनवर्स एक्स, एस के सापेक्ष अवकलन डी वाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स डी टी वाई डी एक्स बराबर टेन का हो जाएगा वन प्लस एस स्क्वायर, तो डी टी बराबर डी एक्स अपान वन प्लस एस स्क्वायर। अब देखिए t बराबर हम लोगों ने माना है tan इनवर्स x, x बराबर हो जाएगा tan t। फिर देखें सवाल को, m बाहर ले लीजिए और tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बटे दो और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं। फिर गौर करिए, tan इनवर्स x अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, आप ध्यान देंगे डी टी बराबर डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह डी टी लिख दीजिए, यहाँ टेन इनवर्स एक्स जगह टी लिख दीजिए और यहाँ बटे में वन प्लस एस जगह लिख दीजिए टेन स्क्वायर टी। फिर आइए एम टी, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी, बाहर निकल आएगा सेक टी
और m बराबर आ जाएगा t ऊपर चला जाएगा cos t dt, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। I बराबर m ब्रेकेट स्टार्ट, फर्स्ट को रोका, सेकंड का समाकलन माइनस, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन। m बराबर t cos के लिख देंगे sin t, यहाँ वन यहाँ sin t यहाँ dt, फिर आइए m t sin t, sin का हो जाएगा माइनस का cos t प्लस ही, m t sin t प्लस cos t। अब देखिए हम लोगों ने थोड़ा काम बढ़ जाएगा, यहाँ मानना है tan t बराबर x, यदि x बटे वन ट्राइंगल बना दो, लंब बटे आधार, तो कर्ण हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए एम टी बराबर टेन इनवर्स एक्स, साइन टी का होता है लंब बटे कर्ण, इसका होता है आधार बटे कर्ण, सी लगा दी, आपको कॉमन दिखाई देगा एम अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आंसर आपका। सवाल नंबर 11 आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक बटे दो अंडर रूट टू ए माइनस एक्स बटे ए और डी एक्स, यहाँ देखें एक्स बराबर मानिए टू ए कॉस का थीटा, चलिए इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए, थीटा के सापेक्ष अवकलन डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर टू ए डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो टू ए टू कॉस थीटा, कॉस का करेंगे माइनस का साइन थीटा, आ जाएगा माइनस टू ए साइन टू थीटा, या दो दूनी चार साइन थीटा और कॉस थीटा। अभी एस जगह लिखिए टू ए कॉस का थीटा, यहाँ साइन इनवर्स एक बटे दो टू ए ये रखेंगे तो लंबा हो जाएगा, अगर ये रखा जाए 2a cos थीटा, इससे छोटा होगा उससे लंबा होगा, तो 2a
माइनस साइन थीटा और यहाँ डी थीटा, यहाँ लिखिए 2a cos थीटा बाई, अगर 2 मान लो यहाँ पर 2 तो दो बाहर निकल आएगा, 4 और साइन 2 थीटा ये आ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा देखिए बताते हैं, ये 2a लिखा, ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा साइन इनवर्स, और यहाँ पे dx रहेगा, ध्यान रखिएगा 1/2, 2a कॉमन, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई a, a से कैंसिल और dx रहेगा, फिर आ जाएगी 2a cos 2 थीटा, यहाँ साइन इनवर्स 1/2, यहाँ 2, 1 काटना है तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइंस का थीटा बाई 2 तो कट गया, यहाँ dx, फिर आइए 2a cos 2 थीटा, साइन इनवर्स 1/2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx, फिर आ गया 2a cos 2 थीटा 1/2 और 2 साइन थीटा, यहाँ dx, टी दो दो कैंसिल, यहाँ 2a cos 2 थीटा, यहाँ साइन इनवर्स, यहाँ साइन थीटा और dx का मान लिख दो, माइनस का 4a साइन 2 थीटा, अब ध्यान से देखिए i बराबर माइनस 4a बाहर ले लो, ले लिया, और a यहाँ पर, a यहाँ पर, और यहाँ d थीटा, a a a स्क्वायर, ठीक, दो नहीं लिया, दो को यहाँ लिखो, साइन 2 थीटा को लिखो, कॉस 2 थीटा लिखो, थीटा लिखो, d थीटा लिखो, करेक्ट, थीटा कहाँ से आएगा, ये साइन साइन हट जाएगा, थीटा आ जाएगा, फिर देखिए माइनस 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा साइन 4 थीटा d थीटा। अब फिर मानिए, माना t बराबर 4 थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन डी टी बाई डी थीटा बराबर 4 × 1, डी टी बाई 4 बराबर डी थीटा, यहाँ थीटा देख लीजिए t बाई 4, यहाँ साइन t, यहाँ डी टी बाई 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस ए स्क्वायर ब्रेकेट टी, ये 4/2, यहाँ टी साइन टी डी टी, ये फर्स्ट और ये सेकंड लगा दीजिए, माइनस ए स्क्वायर बाई 4, टी को रोकिए और साइन टी डी टी, माइनस डी टी का अवकलन, साइन टी का अवकलन डी टी, फिर पूरे का अवकलन डी टी, माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ साइन का माइनस का कॉस टी, यहाँ 1, यहाँ माइनस का कॉस टी डी टी, फिर आइए ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ ये माइनस का मान लो प्लस, यहाँ टी कॉस टी, ये प्लस हो गया माइनस का देखिए माइनस, और कॉस टी का होता है साइन टी, यहाँ साइन टी, फिर त्रिभुज ले लीजिए एक्स अपॉन 2a बराबर कॉस 2 थीटा, तो पहले हम लोग ए स्क्वायर बाई 4, टी बराबर 4 थीटा कॉस 4 थीटा और साइन 4 थीटा प्लस सी लिख देंगे, और कॉस 2 थीटा का मालूम हमको,
तो ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बाय फोर, टू इंटू टू थीटा, करेक्ट। और यहाँ आइए, टू कॉस टू थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, ये इसके साथ ब्रैकेट, और माइनस टू कॉस टू थीटा साइन टू थीटा ले सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा डी थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, टू टू थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू ए, यहाँ टू एक्स अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस वन, माइनस टू एक्स अपॉन टू ए अंडर रूट वन एक्स माइनस टू ए का होल स्क्वायर। बस थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर हमने पहले लिख लिया था कॉस स्क्वायर, देखा कठिन हो जाएगा, कॉस टू थीटा रखा, कॉमन लिया, फिर कॉस टू थीटा फार्मूला लगाया, सवाल सरल हो गया, इसको हल कर दिया। यहाँ देखा फोर थीटा आ गया, उसको टी मान लिया, फर्स्ट सेकंड लगा के हल कर दिया, क्योंकि टी बराबर फोर थीटा माना था, टी बराबर पहले फोर थीटा लिखेंगे, फिर थीटा को भी हमने एक्स के रूप में माना था तो उसको चेंज कर दिया कि यह सवाल हमारा आ जाएगा। ठीक, दैट्स ऑल। एक दो सवाल इस प्रश्नावली के बच्चे हैं, उनको लगाइएगा, जो ना आए उसे पूछ लीजिएगा हमसे, व्हाट्सएप से करके पूछिएगा। ठीक, आज ये प्रश्नावली ख़त्म होती है।